यू सो मच. ये तो स्पेशल ओकेशन है कि करवा चौथ, और महिलाओं के लिए बहुत अहम दिन होता है. पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत कलरफुल है सेट पे. सारे लोग सो करवा चौथ का ये चोले पहनकर उनके जो अरमान है वो व्रत के रूप से यहाँ पे करना चाहते थे. तो पूरे सजावट सेट पे भी है, और व्रत के लिए जो जो ज़रूरत है वो सारे चीज़ यहाँ पे उपस्थित है. तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है. और इसके बीच में अचानक विदिता वो अपने कमरे में जाती है, फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वापस नहीं लौटती है. तो जो मैं उनकी सास के रूप में, माँ के रूप में मैं बहुत चिंतित हूँ. तो पुष्कर भी जाता है उनको ढूंढते हुए. तो पुष्कर और विदिता इनके इंतज़ार में हम लोग चांद आने पर भी हम लोग चांद को देख के फिर व्रत तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके इंतज़ार में हम लोग रहते हैं. क्या आपको विदिता और पुष्कर आते हैं या नहीं आते हैं, और चांद को देखकर हम व्रत तोड़ पाते हैं कि नहीं है, ये पज़ल है. मैं दिवाली तो अगेन बहुत हिंदू धर्म में दिवाली के रूप में हम लोग बहुत खुशी से दिवाली मनाते हैं. और इस दिवाली पे सब लोग अपने परिवार को और अपने दोस्तों को हम ये बताना चाहते हैं, सारी जनता को मैं यही खुशी के बाद ये बताना चाहती हूँ कि दिवाली के सबको हमारे शुभकामनाएं हैं, और इस दिवाली सबके लिए खुशी लाए. देखिए ये तो ऑलरेडी कई पोल्यूशन के नाम पे और यू नो सेफ्टी के नाम पे पटाखे जो हैं ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं हैं. तो उसको सेफ्टी के लिए ऑलरेडी कई स्टेट्स में इसका बैन भी कर चुका है. तो इसके बारे में हम अपने अपने सेफ्टी हम हमेशा बताते हैं. तो स्टेट के हिसाब से क्या नियम है उसके हिसाब से पालन करना है. सो मच. कुछ नहीं, हर हर सुहागन औरत बहुत प्यार से और क्या कहते हैं उसे कि हर एक लड़की का ख्वाब होता है कि जब उसकी शादी होती है उसके बाद वो करवा चौथ का जब व्रत आता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जैसे विदिता है. और ऑब्वियसली ये जोड़ा मुझे राजश्री जी ने दिया है, यानी कि जया जी ने दिया है. तो डेफिनेटली मुझे तो सुंदर दिखना ही है इस जोड़े में. और बाकी तो हमारे पीछे जो टीम रहती है सब कॉस्ट्यूम्स की, ज्वेलरी वालों की, ड्रेस दादा की, मेकअप मैन, हेयर स्टाइलिस्ट, इन सब को ये क्रेडिट जाता है कि वो इतना सुंदर दिखाते हैं हमें, और हमारे कैमरा मैन वगैरह. अभी ये तो आप ही देखिए कि मतलब वो परफेक्ट है या नहीं. मैं उसके लिए व्रत रखे ही जा रही हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगेगा जब मुझे पता चलेगा कि वो परफेक्ट नहीं है. लेकिन फ़िलहाल तो बहुत बहुत एक्साइटेड है विदिता. और पहला करवा चौथ है तो मेहंदी लगाई है, सब कुछ किया है, खुद बहुत प्यार से मेहंदी लगाई है कि नहीं 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 पहला करवा चौथ है तो मुझे मेहंदी भी लगानी है. तो सारी चीज़ें हैं और मज़ा आ रहा है मुझे ये सब करने में. और जितना विदिता एक्साइटेड है उतनी मैं भी हूँ, कि क्योंकि मुझे भी हर रोज़ एक नया नया सरप्राइज़ मिलता है कि ओ शिट अब ये करना है, ओ ओके अब ये करना है, ये कब हुआ, ये कब होने वाला है. तो ये मुझे खुद को सरप्राइज़ है. तो आप सोच लीजिए आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा. कोई भी इंसान परफेक्ट
परफेक्ट की मेरी विधिता की डेफिनेशन ये है कि जो इंसान जने होने उसे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंसान जेन्युइन है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए है। वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलो, क्या बोलते हैं उसे, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करने वाला है, तो उसे जो चीज़ मिल रही है वो उसी के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसीलिए वो एक जगह से देखा जाए तो पुष्कर गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज़ें वो मेरे साथ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो डेफिनेटली विदिता जो कैरेक्टर है या विदिता जैसे लड़की है तो वो सब सह सकती है, लेकिन वो भी मतलब उसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसके आगे वो कुछ नहीं सह पाएगी।